जब भी नई कार लेने जाते हैं कुछ चीजों पर ध्यान सबका जाता है। क्या सेफ्टी फीचर्स सचमुच में इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट है तो कितने इम्पोर्टेंट है, और कौन सा सेफ्टी फीचर्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सबको ही चौंकाते हैं। आज मैं इसी पर ही आपसे बात करना चाहता हूँ और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू कि एयरबैग ज्यादा जरूरी है या ABS। अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है बिग फाइट, मैं हूँ आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आज कारगुरु। मैंने यह प्रोग्राम एक्चुअल में इसलिए डिजाइन किया कि मैं आपके साथ यह शेयर कर सकूं कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से किस चीज को ज्यादा अहमियत दी जानी चाहिए, कंपनीज किस चीज को ज्यादा अहमियत दे रही हैं, इस बारे में भी आपसे बात करूंगा। लेकिन लोगों के दिमाग में मिथ क्या है वो भी इसमें शामिल होंगे, तो फिर बने रहिए हमारे साथ। शुरुआत करता हूँ एयरबैग से, जिसे मैक्सिमम लोग जानते समझते और बात करते हैं, कंपनीज भी इसको काफी प्रमोट करती हैं। आइए समझते हैं एयरबैग है क्या। एयरबैग एक्चुअल में एक कॉटन का बना हुआ बैग है जिसके भीतर नाइट्रोजन फिल कर दी जाती है टेम्परेली। अगर आप इस बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं कि वह कैसे काम करता है क्या है, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं उसकी सिर्फ इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। एयरबैग काम कैसे करता है ध्यान से समझिए। एयरबैग कार के बम्पर के चारों तरफ कार की बॉडी में लगे हुए सेंसर्स से इम्पैक्ट की ताकत को महसूस करता है, रिकॉर्ड करता है कार का कंप्यूटर यानी ECU, वह डेटा भेजता है कार के एयरबैग सिस्टम को कि उसको अब डिप्लॉय हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यह सेंसर मिलीसेकंड में काम करता है, वजह सिर्फ इतनी है अगर यह टाइम लगाएगा तो एक्सीडेंट का इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब यह जरूरी पार्ट तो है, डेफिनेटली जब भी एक्सीडेंट होता है आपकी जान की सुरक्षा करता है, तो डेफिनेटली यह काम की चीज है। लेकिन क्या यह ABS के मुकाबले ज्यादा काम की चीज है? मैं इस पर आपसे बात कर रहा हूँ। ABS कब काम करता है, किस समय काम करता है, इसको भी समझना होगा। जैसे आपने ये समझा कि एयरबैग कब काम करता है, एयरबैग सिर्फ एक्सीडेंट होते समय काम करता है, वो भी जब भीषण एक्सीडेंट हो। मैं पिछले 15-18 सालों से लगातार कार चला रहा हूँ और इन 15 सालों में एटलीस्ट मेरा कोई ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ जिसमें कि मुझे एयरबैग खुलने की नौबत आई हो। यह कह सकते हैं मैं ज्यादा लकी हूँ उन कुछ लोगों के मुकाबले जिन्होंने सड़क हादसों में अपनों को खोया है या अपनों के साथ दुर्घटना देखी है, ऊपर वाले का शुक्र है। हाँ, तो इसका मतलब यह नहीं कि मेरी कार में जो एयरबैग लगे थे उस पर मैंने जो पैसे खर्च किए वो बर्बाद चले गए। डेफिनेटली अगर मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं कि वो बर्बाद चले गए, और यह भी जरूरी नहीं कि उनका इस्तेमाल करने के लिए मैं जबरदस्ती एक्सीडेंट कर दूं। अब आते हैं ABS पर। ABS कब काम करता है? ABS हर उस समय काम करता है जब आप ब्रेक पैडल पर पैर रखते हैं। ध्यान से समझिए, कार चलाते समय हम घर से अगर ऑफिस भी जाते हैं तो ब्रेक का इस्तेमाल 30 से 40 बार कम से कम करते ही करते हैं, चाहे आप 2 से 3 किलोमीटर ही क्यों ना जाते हो, और यह बहुत नॉर्मल है। अक्सर भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में भी इसका काफी इस्तेमाल करना पड़ता है, और इस इस्तेमाल में हर समय ABS अपना काम किया करता है। ABS मेन आपके टायर को रोटेशन लॉक होने से रोकता है और यह कार के पहियों को घूमने भी देता है, साथ साथ ब्रेक लगाकर उनकी पकड़ भी सड़क पर बनाए रखने में मदद करता है। यानी कि अगर आप कार को 40 की स्पीड में चला दें, मान लिया वो 10 मीटर पर रुकती, तो ABS लगे होने की वजह से वह कार 8 मीटर पर रुक जाएगी, यानी बीच के 2 मीटर पर होने वाले एक्सीडेंट से आपकी सुरक्षा हो जाती है, बचत हो जाती है। एक्चुअल में यह वर्ड ज्यादा बेहतर है। तो यह छोटे छोटे एक्सीडेंट को होने से बहुत रोक लेता है, और मान के चलें कि ऐसे पूरे जिंदगी में होने वाले सैकड़ों छोटे एक्सीडेंटों को वो पहले से बचा लेता है, जिसकी वजह से स्क्रैच तक नहीं आने दे पाते कार में। तो ABS की इम्पोर्टेंस यह है कि हर समय जब भी आप ब्रेक लगाते हैं वह आपकी कार को आपको सुरक्षा देता है, लेकिन एयरबैग आपको सुरक्षा तभी देता है जब आपकी कार का एक्सीडेंट हो चुका होता है। तो इम्पोर्टेंट दोनों ही है। हाँ, मैं यहाँ पर किसको प्रेफरेंस दूंगा, इससे पहले आप समझे कंपनियां किसको प्रेफरेंस देती हैं। मैंने यह फील किया है कि कंपनी, चाहे वो इंडिया की कोई भी कंपनी का ना हो, किसी में कोई अपवाद नहीं है। सभी कंपनी अभी 2-3 साल पहले तक सिर्फ टॉप एंड मॉडल में एयरबैग दिया करती थी और कहती थी बस हो गया, क्या ये सेफ्टी फीचर्स है वर्ड का सब व्यक्ति। सर, ये सेफ्टी फीचर्स नहीं, ये एक्सीडेंट होने के बाद आपकी जान बचाने का फीचर है, लेकिन एक्सीडेंट रोकने का फीचर्स नहीं शामिल है। आज भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो एयरबैग तो अपने लोअर मॉडल में दे देती हैं या मिडिल मॉडल में दे देती हैं, लेकिन ABS की तरफ ध्यान भी नहीं ले आती कंज्यूमर का, और उनके सेल्समैन को उन्होंने इतना स्मार्ट बना रखा है कि वह आपको टोकन
टिकट, सीट रिक्लाइनिंग, सीट 60-40 स्प्लिट, हाइट एडजस्टमेंट, ऐसे फालतू के फीचर्स में उलझाए रहती हैं और एबीएस के बारे में बात ही नहीं करने देती हैं। कंपनीज का हाल यह है कि वह उनकी कारों का स्टार्टिंग हो जाती है 5 लाख रुपीज से कीमत, लेकिन एबीएस आपको मिलता है सिर्फ 9 लाख रुपीज वाले मॉडल में, जबकि एबीएस सबसे पहले स्टार्ट होना चाहिए। अभी एक कंपनी ने अपनी एक अलग सीरीज शुरू की थी एक खास प्रीमियम ब्रांड के तौर पर एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ खास कारों को, उसने अपनी उन सभी कारों में एबीएस को एज ए स्टैंडर्ड बना दिया। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, मैं चाहता हूं ऐसे ही इनिशिएटिव सभी कंपनियां लेना शुरू कर दें। कुछ कंपनियों ने लेना भी शुरू कर दिया है, कई कंपनीज ने कंफर्म कर दिया है कि वह अब कोई भी ऐसी कार नहीं बनाएंगी या बेचेंगी जिनमें एबीएस, ईबीडी, एयरबैग्स ना हो। ऐसी कंपनीज में टोयोटा, फॉक्सवैगन, स्कॉडा शामिल है, लेकिन अभी भी जो मेन बिकने वाली कारें हैं इंडिया में उनमें यह फीचर्स अवेलेबल नहीं है, स्पेशली शुरुआत की कारों में या शुरुआत के मॉडलों में। मेरा ये पर्सनली मानना है कि कंपनीज एयरबैग को ज़्यादा प्रमोट करती हैं एबीएस को नहीं, जबकि मेरा पर्सनली मानना है एबीएस आपकी हर समय सुरक्षा करता है और यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर अगर मैं इस बिग फाइट की बात करूँ तो इस बिग फाइट में मेरी तरफ से एबीएस विनर है और यह आपको हमेशा हेल्प करेगा। जब भी आपकी कार आप चला रहे हो उस समय भी यह आपकी हेल्प करेगा, जबकि एयरबैग आपको सिर्फ उसी समय मदद करता है या उसी समय आपकी जान बचाता है कस के इम्पैक्ट आपकी कार पर आया हो, लेकिन उस इम्पैक्ट को ना आने देने का काम एबीएस करता है। तो एबीएस एक्चुअल में एयरबैग को डिप्लॉय होने का मौका ही नहीं देता या बहुत कम कर देता है। इम्पैक्ट के कंडीशन में अगर एबीएस होता है कार में तो कार का एक्सीडेंट उतना खतरनाक नहीं हो पाता है जितना कि हो सकता है नॉर्मल कंडीशन में। ये तो था मेरा वर्डिक्ट एबीएस और एयरबैग के बारे में। आप भी नीचे कमेंट में बताइएगा जरूर मुझे कि आपकी नजर में इन दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एबीएस या एयरबैग। क्या आप अपनी हर कार में अब एबीएस एयरबैग प्रेफर करेंगे या नहीं? क्या आप मानते हैं कि एबीएस एयरबैग एक्सपेंसिव होते हैं? मुझे लिखना जरूर, इस बारे में भी मैं बात कर सकता हूं। अगर आप प्रेफर करेंगे तो मैं आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। अगर आप एबीएस कैसे काम करता है यह जानना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, क्लिक कीजिए और देखिए एबीएस कैसे काम करता है। वीडियो करीबन 1 साल पहले बना हुआ था तो हो सकता है आपको क्वालिटी में थोड़ा ऊपर नीचे लगे, लेकिन समझने में आसानी फिर भी हो जाएगी। बस यह तो थी बिग फाइट एयरबैग और एबीएस के बीच में, आपको कैसी लगी लिखिएगा जो, आपके कमेंट का इंतजार रहता है। मैं अमित अपने प्रोग्राम में न्यूज, रिव्यूज, आपके क्वेश्चन आंसर और नई कारों के बारे में बात किया करता हूं। अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन का बटन ठीक नीचे है रेड कलर का अभी दबा दे, और एज ए वीआईपी सब्सक्राइबर सबसे पहले हमारे वीडियो देखना चाहते हैं, लाइक करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं, बगल में दी गई नोटिफिकेशन बेल को एक बार पुश कर दीजिए। मैं अमित अब आपसे इजाजत चाहता हूं, हमारे वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आज का वीडियो।